जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में गोलघर काली मंदिर स्थित पुरदिलपुर वार्ड में चौपाल लगाया गया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि पुरदिलपुर वार्ड में पार्षद मनु जायसवाल के साथ वार्ड की जनता से सीधा संवाद किया गया और प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने बताया कि सभी विभागों ने अपने विभाग के प्रति योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया और जितने भी समस्याएं प्राप्त हुई हैं उसे सूचीबद्ध करके हल कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने के लिए शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देश के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर सफाई की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और आयुष्मान कार्ड के संबंध में जानकारी प्राप्त किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, जो हमारा किचन वेस्ट निकल रहा है, जो हमारा माताएं हमारी जो खाना बनाती है वो किचन से निकलता है, जो सब्जी रूपन हुआ उसको समझिए कि हरे डस्टबिन में रखें और जो हमारा पूरा को अग्रणी मोहल्ले के रूप में उभर के आना चाहिए। आप लोग सहयोग करेंगे ना, सभी लोग जब भी पूरा उठाने के लिए और डोर टू डोर कलेक्शन के लिए संस्था आबद्ध होगी। अभी तो स्थानीय स्तर पर चल रहा है, अनुभवी संस्थाओं को अनुबंधित करके उनके लोग आएंगे तो आपको कदम बढ़ा के सुनिश्चित करना है कि गीला और सूखा कूड़े का वर्गीकरण हो, अलग अलग आपने जब संस्था डोर डोर कलेक्शन करने के लिए आपके दरवाजे को खटखटाएगी तो अनुशासित होते हुए, अभ्यासित होते हुए, नियमित रूप से उसको बिना नालियों में डाले, बिना बाहर फेंके, बिना कहीं और निकासी करते हुए अनुबंधित संस्था के कर्मचारियों को ही दे और उसको आगे रिसाइकल करने के लिए, आगे प्रोसेस करने के लिए जो कूड़ा घर बन रहा है, जो तलाव घर बन रहे हैं, जो ट्रांसफर स्टेशन हमारे सेंटर बन रहे हैं, उसके माध्यम से हम करवा पाएंगे। बहुत बड़ी व्यवस्था नगर निगम द्वारा किया जा रहा है, जहाँ पे पूरा एंड टू एंड साइकिल बनाया जा रहा है, सेकेंडरी कलेक्शन के लिए, टर्शियरी कलेक्शन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बनाया जा रहा है। एक साल में ये सारी व्यवस्था आपको दी जाएगी। मैं चाहूंगा कि अभी से आप लोग सभी अभ्यस्त हो जाएं और बढ़िया व्यवस्था इसमें कराएं, कदम बढ़ाएं, ताकि हम और आप मिलकर के गोरखपुर जनपद को सफाई के स्वच्छ शहर के रूप में विकसित करते हुए सफाई के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में बीमारी मुक्त, बदबू मुक्त और सबसे अग्रणी जनपद के रूप में, शहर के रूप में विकसित करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण योजना है जिसके बारे में आप लोग परिचित हुई हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसके अंतर्गत जो गरीब व्यक्ति हैं, जो अपनी छोटी सी जग का पानी आता है, जो उसको फिर से बनाना चाहते हैं, ऐसे लोग पात्र हैं। 3 लाख आय सीमा है, वार्षिक आय 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के उनको चला जाएगा ऊपर और स्वीकृत होने के बाद उनको इसका लाभ मिलेगा। आपके वार्ड में उदयपुर में आवास 166 है, 9 डेटा आया है जो पेंडिंग है वो आ जाएगा, तो वो भी सर उस पर आगे कार्रवाई हो जाएगी। फिर आने का प्रशिक्षण दिया जाता है उनको, 10,000 रुपये का रिवॉल्विंग फंड दिया जाता है, बचत के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और बैंक में उनका खाता खोला जाता है। अंतर्गत ही 2 लाख रुपये तक का रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया जाता है, वो रियायती ऋण होता है, 7% से ऊपर जो भी ब्याज दर होती है बैंक की वो छूट। आवासीय अभी कितने बचे हैं? यहाँ कच्चा आवास कोई नहीं है, किसी का को ऐसा कोई कच्चा आवास हो, खपरेल हो, टी शर्ट हो, जिसका अभी तक संकट ना हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है साधारणतया यहाँ पे सामान्य जल आपूर्ति है सर, अगर कोई शिकायत आती है तो उसको तत्परता से पूर्ण किया जाता है सर। नहीं, और रिजर्वायर ठीक चल रहा है? हाँ, रिजर्वायर ठीक चल रहा है, मेंटेनेंस सब हो रहा है जी सर। आपका कितना स्टाफ डिप्लॉयड है यहाँ पे? मिनी नलकूप पे कोई डिप्लॉयड है? यही कोई कोई आएगा तभी करेंगे। नहीं सर, मैं ये नहीं, तुम लोग
बता दीजिए कि अभी योजना बन गई है, प्लान बन रहा है और पहले तीन जोन ले लिए गए हैं। जी जी सर। और वो भी बता दीजिए ना, लोगों को पता होना चाहिए कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। हाँ, सीवरेज की व्यवस्था यहाँ मात्र दो तीन गलियों में है, पुरानी व्यवस्था है वो संचालित हो रही है। नई सीवरेज स्कीम की व्यवस्था जल निगम DPR तैयार कर रहा है और DPR जब तैयार होकर स्वीकृत हो जाएगा शासन से, तब यहाँ भी सीवरेज की व्यवस्था की जाएगी। लोग ऐसे होंगे जो कार्ड नहीं बने होंगे। अरे क्या चाहते हो ये तो बता दो। राशन नहीं मिला। नहीं, कौन सा, कहाँ पे कोटा, कौन सा, ये देख लो, इसको नोट करा दीजिए। इधर आइए, अभी हम आधा घंटा रुकेंगे, आप हमें नोट करा दीजिए। रिन्यूअल कराना है इनका। जी, तो क्या क्या मिलेगा? और सर गेहूँ और दोनों वितरण में भी गेहूँ और है ना जन सुविधा केंद्र, उसमें किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं और 15 दिन के भीतर अगर पात्र हैं तो कार्ड बनाने की बाध्यता विभाग की है। अगर मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करता हूँ ऑनलाइन, और ये जनहित गारंटी अधिनियम है, आपका अधिकार है कि खाद्यान्न सुरक्षा आपको मिलेगी। 69% लोगों को ये देने का प्राविधान शासन ने किया है और इसी के आधार पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। पारदर्शिता पूर्वक आपको कोटे का वितरण होगा, पॉस मशीन के माध्यम से होगा। अगर कोई गटोली कटौती होती है तो आप मेरे कंट्रोल रूम से हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ सभी का नंबर लिखवा दीजिए, लेखपाल से लेके मेरा कंट्रोल रूम, मेरा नंबर सब लिख दीजिए, आ दे दो आप लोग। मेरा भी स्वास्थ्य विभाग को बुलाइए, शिक्षा विभाग को बुलाइए। सबको नमस्कार, मैं बाल विकास योजना अधिकारी नगर कोटी कुमार से बात करूँ। श्रेणी से बाहर कब आएंगे? शोभा देता है कि यहाँ पे कुपोषित बच्चे हैं? शोभा देता है? बहुत ज्यादा कुपोषित नहीं है। 10 बच्चे कम है? एक भी बच्चा नहीं लेना चाहिए ना, यहाँ क्या मतलब है? जब खाद्यान्न का ध्यान इतना दिया जा रहा है, एक ओवर एक्शन आते किया जा रहा है, फिर कैसे हो रहा है? जानकारी का अभाव है इसका। आज माननीय पार्षद जी के साथ यहाँ पुरदुलपुर वार्ड में सभी जनता को, जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करते हुए प्रशासन उनके द्वार तक पहुँचाने के उद्देश्य से सभी विभागों ने अपने विभाग की प्रगति योजनाओं के प्रस्तुतिकरण किया। जितने भी समस्याएं प्राप्त हुई हैं, आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, उसको सूचीबद्ध करके हल कराने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसको एक आदर्श वार्ड के रूप में विकसित करने के लिए शीर्ष स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। किस तरह के मामले यहाँ पे सफाई की व्यवस्था के बारे संबंध में, शिक्षा के संबंध में और आयुष्मान कार्ड के संबंध में प्राप्त हुई हैं, उसको सूचीबद्ध किया गया और हल कराया जाएगा। हाँ, सभी को उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है और अगले एक दो महीने में सभी को हम लोग आच्छादित करा के शत प्रतिशत संतृप्तिकरण करेंगे।